थे आपका एक बार फिर से एएस मैथ्स एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों आज आपके लिए बताने वाला हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। एसबीआई रिक्वायरमेंट 2018 यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 की वैकेंसी तय कर दी है कि कितनी वैकेंसी वो 2018 में देगी। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 की वैकेंसी निकाली है, ये आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इसमें यदि आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी पोस्ट का जो नाम होगा वो होगा जूनियर एसोसिएट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ यानी 8301 जूनियर एसोसिएट्स अप्लाई ऑनलाइन बिफोर यानी 10 फरवरी, 10 फरवरी के पहले पहले यानी जो इसकी स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 20 जनवरी है और लास्ट डेट इसकी 18 फरवरी है, सॉरी 10 फरवरी 2018 है। तो यहां तक आप 10 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इन्हें बहुत अच्छी चीज बताई आपको, इसका देखो पे स्केल भी बहुत अच्छा है, 11,765 से 31,450 तक इसका पे स्केल है। दोस्तों इसमें इन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है, इसके सर्किल वाइज डिवाइड किया है यानी अहमदाबाद सर्किल में 500 पोस्ट है, अमरावती में 400 पोस्ट है, बेंगलोर में 345 पोस्ट है, भोपाल में 105 पोस्ट है, बेंगल में 700 पोस्ट है, भुवनेश्वर में 593 पोस्ट है, चंडीगढ़ में 600 पोस्ट है, चेन्नई में 402 पोस्ट हैं, दिल्ली में 185 पोस्ट हैं, हैदराबाद में 255 पोस्ट हैं, जयपुर में 200 पोस्ट हैं, केरला में 250 हैं, लखनऊ और दिल्ली में दोनों में मिला के दोस्तों 970 पोस्ट हैं, मुंबई में 750 हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में 493 हैं और पटना में 453 पोस्ट हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई सर्कल वाइज बात कि कौन से सर्कल में कितने पोस्ट हैं। अब देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की कि इसके लिए उम्र की यानी आयु की क्या जरूरत है और क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 जनवरी 2018 को आपकी आयु 20 साल होनी चाहिए और 20 साल से 38 साल तक के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ छूट भी दी गई है आयु में, यानी कि SC ST के लिए 3 साल की दी गई, सॉरी SC ST के लिए 5 साल की दी गई है, OBC के लिए 3 साल की दी गई है और अदर के लिए दोस्तों PWD में मतलब 10 साल की दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जॉब लोकेशन यानी जॉब का एरिया कौन सा हो सकता है ये आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जो आपकी मतलब रुझान हो, आपको अच्छा लगता हो, आपको सिटी अच्छी लगती हो तो आप उसमें इसका फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इसकी SBI सिलेक्शन प्रोसेस की। SBI सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं होगा, इसमें 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों की मेरिट बनेगी, इस मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें फीस कितनी लगेगी। इसमें फीस सीधी सी बात है SC ST के लिए 100 रुपये लगेगी, अदर के लिए दोस्तों 600 रुपये लगेगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि यदि आपको इसको अप्लाई करना है तो www.sbi.co.in पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यानी 20 फरवरी 20 जनवरी से ये फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए थे, यानी कल से, आज 21 तारीख है, कल 20 से डलना चालू हो गए थे, तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो दे दूं। दोस्तों अब आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे मित्रों को और बहुत सारे आप अपने भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको ये वीडियो आसानी से मिल जाए। और यदि जिनके पास ग्रेजुएशन है और वो बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बैंक की जॉब करना है दोस्तों, तो उनके लिए आसानी हो। तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त।